हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लचर बंद हेयर स्टाइल कैसे करना है, पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इस तरीके से क्लचर में रबड़ बैंड को फंसा लेना है, एंड करना कैसे है डिटेल में बता रही हूँ। तो आपको अच्छे से अपना बालों को अच्छे से कॉम करना है, एक हाई पोनीटेल बनानी है। और मैंने लगाया था लॉरियल का ब्लू वाला शैम्पू, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हेयर रह रहा है उससे। और महंगी की बात करें तो बहुत महंगी है। तो इस तरीके से हाई पोनीटेल बना लेनी है। कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, सॉरी हाथ आ गए कैमरे पे। और इस तरीके से आपको एक पोनी बना लेनी है, ओके। पोनी बनाने के बाद पोनी के हेयर को अच्छे से कॉम कर लेंगे। और मेरे बालों में जो पिंक पिंक कलर दिख रहा है, ये होली के टाइम का ही है, ये जा नहीं रहा है। काम कर लिया है, एंड पोनीटेल को टाइट कर लेंगे, एंड आगे की तरफ पोनीटेल को सारे को इस तरीके से रखेंगे, एंड क्लचर को रबर बैंड के जस्ट ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा आगे भी लगा सकते हो। क्लचर अपने बालों के अकॉर्डिंग लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से रबर बैंड को एक साइड से निकाल लेंगे ऐसे, और बालों को बैक साइड में करेंगे इस तरीके से, और रबर बैंड को ऐसे टाइट करेंगे बालों को पीछे की तरफ करके, और इस तरीके से। वाह, बहुत टाइटली एकदम बहुत आराम से बन गया। ये मैंने वायरल हेयर स्टाइल देखा था और बहुत इजी है यार, बहुत आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है हेयर स्टाइल को बनाने में। फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपने हेयर को खींचूँगी, क्योंकि मेरे बालों में मेरे चेहरे पर फ्लैट हेयर नहीं जचता है। उसके बाद पीछे के बालों को क्या करना है, वायरल हेयर में पीछे के बालों को क्या करना है ये नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। देखिए कितना इजीली बन गया, बहुत इजी बन गया और बहुत आराम से। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और बैक साइड के हेयर को आप चाहो तो इस तरीके से फोल्ड करके और रबर बैंड में इंसर्ट कर सकते हो, और चाहो तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और फ्रंट में लेके आएंगे, और इस तरीके से क्रॉस करके यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। ऐसे ही कर लेना, ऐसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और लेंगे यूपिन बॉक्स, ढूंढने में जो कुछ नहीं मिलता है, फर्स्ट टाइम कुछ मिल गया है। तो बैक साइड में इस तरीके से था, यहाँ से आपको हेयर को लेना है पिन को, और इस तरीके से इंसर्ट कर देना, जिससे कि बैक साइड के भी हेयर जो है, ये जो रबड़ है और एक्स्ट्रा हेयर जो थे वो सेट हो जाए। थोड़ा सा हेयर लेना है, ओके। और अगर रबर बैंड दिख रहा है तो आप इस तरीके से ऊपर की तरफ एक हेयर को थोड़ा सा ऐसे करके और यूपिन लगा दोगे तो रबर बैंड भी हाइड हो जाएगा, ओके। एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। बेबी हेयर अगर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप सेटिंग स्प्रे का यूज कर सकते हो, और अगर जैसे भी छोड़ सकते हो। तो कैसा लगा ये हेयर स्टाइल, है ना, बहुत ईजी एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, और आप मार्केट वगैरह जा सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हेयर स्टाइल को ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी ऐसी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है वीडियो, बहुत ईजी है और लंबे छोटे कोई भी बाल वाले बना सकते हैं।